होके भागता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल मैंने जहां से अपना व्लॉग ख़त्म किया था वहीं से मैंने स्टार्ट किया है। और अभी ये देख लीजिए, कन्या खिलाई जा रही हैं, तो यहां पे सारे बच्चे बैठ के जो है भंडारे का शुभारंभ कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले कन्या ही खाएंगी और तभी फिर वहां पे स्टार्ट होगा यानी भंडारा। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले तो इन्हीं का, और पूरा अच्छी तरह से मैं नहीं ले पाई थी क्लिप। और इधर ये देख लीजिए, मेरी भाभी और मौसी बैठी हैं, वो भी जो है अभी देखना फ़ोटो खिंचवाएंगी क्योंकि, और इधर चाची लोग मेरी हैं, और चाची हैं और बड़ी मम्मी हैं, सभी लोग हैं। और इधर ये देख लीजिए, फ़ोटो खिंचवाए जा रहे हैं क्योंकि बार बार तो ये दिन आते नहीं हैं, एक बार मिले हैं लोग साथ में। और इधर देख लीजिए, कन्या पूजन के बाद उधर भंडारा स्टार्ट हो गया और इधर जो है लेडीज़ लोग भी खाने लगी हैं क्योंकि सुबह की आई हुई थी सभी लोग, और फिर टाइम भी हो गया था ज़्यादा, तो सोचा कि सभी लोग एक साथ सब खा लें। और उधर जो है जेंट्स लोग ऊपर खा रहे थे और इधर ये लोग नीचे, लेडीज़ जो थी, ज़्यादा लोग तो थे नहीं, जितने लोग थे उतने लोग ही। और अभी स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो आएंगे शाम तक, देखो कौन कौन आता है। बहुत सारे लोग भंडारे का तो कुछ ये होता नहीं कि कौन आए कौन नहीं, जिसका मन होता है बहुत सारे लोग आते हैं। और ये देख लीजिए, इधर अभी ये भाभी अभी आई हैं तुरंत, तो ये नहीं खा रही हैं, अलग बैठी थी, कह रही थी बाद में खाएंगे। और इधर चाची लोग मेरी हैं, वो खा रही हैं। और ये देख लीजिए, अभी बाहर भी भंडारा स्टार्ट हो गया है और अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि तुरंत स्टार्ट हुआ है। और ये वीडियो किसने बनाया मुझे नहीं पता, शायद मेरी यानी भतीजी ने ही बनाया होगा, और कोई छोटी भी भतीजी है मेरी, बहुत सारी तो भतीजियाँ हैं, किसने बनाया ये नहीं मुझे पता क्योंकि क्लियर सही से नहीं बनाई है। और आवाज़ मतलब सही सी, वीडियो भी नहीं सही से दिख रहा, मतलब ज़्यादा हिला रही है और पूरा दिखा रही है लुक ऐसा, उसकी कोई गलती नहीं है, हम लोग से जब मिस्टेक होता रहता हम लोग ही नहीं बना पाते हूँ तो बच्चे ये। तो ये देख लीजिए, सभी जो है गाड़ियाँ रुकवा के जो है प्रसाद दिया जा रहा है, और जिसको लेना है सभी लोग ले रहे हैं प्रसाद। और ये देख लीजिए, यहाँ इधर मैं आ गई हूँ ऊपर, क्योंकि यहाँ पर पहले यहाँ पे खाना चलता था लेकिन अब जो है यहाँ पे कबाड़ का सारा सामान रखा जाता है और नीचे ही सब लोग खा लेते हैं, तो फिर ऊपर कोई नहीं आता, तो यहाँ पर कबाड़ का ही सामान रखा जाता है। तो यहाँ से देख लीजिए, अभी बिल्कुल ज़्यादा भीड़ नहीं है, और भीड़ क्या हर जगह जो भंडारा ही चल रहे थे उस दिन। अभी मैं छत पे ले चलती हूँ आप लोगों को और छत का भी थोड़ा सा लुक दिखा देती हूँ। और ये देख लीजिए, ये है रायबरेली रोड, तो आप लोग देखिएगा। और रायबरेली इसके सामने जो है जंगल ही जंगल है, पूरा उस तरफ पूरा ही जंगल है, देख के कितना अच्छा भी लग रहा है जंगल, लेकिन ग्रीन ग्रीन प्यारा भी लगता है लुक। और इधर ये देख लीजिए, बगल में भी है एक छतकर से, तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स ये देख लीजिए, कॉलेज से भाग के आई हैं ये लड़कियां दो नहीं मैं ऐसे ही मजाक कर रही हूँ, आप लोग ऐसा मत समझिएगा। तो ये मेरी भतीजी हैं और ये कॉलेज गई थी दोनों, और ये इनकी फ्रेंड है इधर वाली, और वो मेरी भतीजी है, तो वही लेके आई थी अपनी फ्रेंड को। और साथ में देख लीजिए, प्रसाद दोनों खा रही हैं, और ये इनकी भी छोटी सिस्टर है, और अभी ये लोग देख लीजिए प्रसाद खा रही हैं, तो वही खा के फिर चली जाएंगे अपने घर। और इधर ये देख लीजिए, औरतें फालतू बैठी थी तो बोली कि गीत ही स्टार्ट कर दिया जाए गाने, तो इधर देख लीजिए आप भजन वगैरह क्या जो गा रही हूँ मैंने, तो यानी मैं तो बैठी नहीं थी क्योंकि मैं गा भी नहीं पाती और मैं नहीं बैठी बिल्कुल, थोड़ी थोड़ी देर में सुन लेती थी। अभी ये देख लीजिए, आप लोग भी आ जाइए और कुछ मीठा हो जाए आप लोगों के साथ भी, यानी कि आप लोग प्रसाद ले लीजिए यानी खा लीजिए आके। और अभी ये देख लीजिए, सभी लोग जो है रुक रुक के इधर प्रसाद ले रहे हैं, और अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था क्योंकि भंडारे वगैरह का खाना भी बहुत अच्छा लगता है, और घर पे यही खाना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, लेकिन भंडारे का बहुत अच्छा लगता है।
और अभी इधर मैं आ गया, आप लोगों को भी मिलवाऊंगी। यहाँ ये देख लीजिए, यहाँ पे सभी लोग बना रहे हैं, यहाँ के वर्कर्स लोग हैं। और इधर ये मेरी बुआ, यानी बड़ी बुआ है मेरी, बातें कर रही हैं अभी तुरंत। और अभी ये देख लीजिए, नीचे मेरे जो है बाबू और मौसी बातें कर रहे हैं। और मौसी अभी उधर चली जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा बातें, क्योंकि बाबू यहीं पे रहते हैं तो बोली थोड़ा सा बात कर लें, तो यहीं पे अभी बात कर रही थी, फिर चली जाएंगी उस तरफ, यानी कि जहाँ पे खाना वगैरह हो रहा है। लेकिन मौसी लोग तो खा चुकी हैं। और इधर ये देख लीजिए, जितने लोगों को गीत वगैरह बिल्कुल नहीं पसंद है तो इधर अपना फ़ोटो ही खिंचाने में लगी हैं। और लड़कियां इधर फ़ोटो खिंचवा रही हैं, मैं भी कुछ काम से आई थी तो ये लोग मेरा भी खींचने लगी थी। तो बस इतना ही, और मुझे तो भाग दौड़ वाला ही मैं कर रही थी, मतलब कुछ कर नहीं रही थी, लेकिन इधर उधर क्या है देखना वगैरह होता था, तो मैंने थोड़ा सा बना लेते, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कभी मैं कहीं शादी फंक्शन में जाती हूँ तो मेरे बहुत ही कम वीडियोज होते हैं, मेरा फेस नहीं हो दिखता है ज़्यादा, और मैं फिर वीडियो ही बनाया करती हूँ। और अब ये देख लीजिए, बुआ लोग भी खाना खा रही हैं, यानी कि भंडारे का प्रसाद। और बुआ लोग बोल रहे थे कि मेरा, मतलब बुआ लोग क्या, मैं ही बनाती हूँ तो वो लोग बनवा लेती हैं बहुत आराम से। और अब ये देख लीजिए, अपने भाई के साथ भी, और मेरी बड़ी बुआ छोटी बुआ, ये दोनों लोग जो है हमेशा साथ में कहीं जाती हैं, तो इन लोगों को मतलब साथ में हाथ छूटना ही नहीं चाहिए दोनों। करिए कैसा लग रहा है, ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बीच बीच पे मैं म्यूज़िक म्यूट कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं और साउंड वगैरह की आवाज़ जो रहती है फिर उससे कॉपीराइट आ जाता है, तो कॉपीराइट मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी क्लिप ही डाल देती हूँ। और अभी ये देख लीजिए, मामा और भांजा बैठ के बातें कर रहे हैं, और इधर मेरे फूफा जी हैं जो चश्मा लगाए हैं, मेरे फूफा जी हैं। और इधर ये मेरे बुआ के लड़के हैं, और वो बाबू को तो आप लोग बहुत सारे ब्लॉग में देख ही चुके हैं। और इधर ये देख लीजिए, भंडारा ख़त्म हो गया है, सभी लोग चले गए, बस इतने ही लोग बचे हैं, बुआ लोग भी अभी जाएंगी, और ये देख लीजिए हम लोग भी जा रहे हैं। तो इधर ये देख लीजिए, मेरी भतीजी जो है मस्ती कर रही थी, क्योंकि अभी जाना था तो बोले कि ढोलक लेके जो है चलना है, तो वो बजाने भी लगी और डांस करने लगी, क्योंकि अभी हम लोग भी निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि ख़त्म हो चुका था, सभी लोग जा चुके थे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं भंडारे का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।